हेलो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज एंड गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी गाइस ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो दिस इज जस्ट टाइप ए रिविजन ठीक है ऑलरेडी मैंने टेक्सोनॉमी में बहुत सारी फैमिलीज को आपको अपने चैनल बायोलॉजी ब्लेज के थ्रू स्टडी करा दिया है अब एक रिवीजन है यूनिक क्वेश्चंस का या पूछे ये क्वेश्चन हैं सब ये गाइज सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं उस पेपर से मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है और कुछ क्वेश्चन जो है गज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे दूसरे एग्जाम जहाँ पे बॉटनी एज ए सब्जेक्ट है वहाँ पे पूछे गए हैं तो गई पहला क्वेश्चन हम देखते हैं लिगुलेट लीफ एंड बर्साटाइल एंथर इज रिपोर्टेड इन यू नो एंथर एंड यू नो लीफ वेरी वेल कि भाई लीफ क्या होती है फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक और एंथर क्या होता है इस हमारा एक मेल रिपोर्टर की होता है अब जो टर्मोलॉजी है कि लिगुल्यूट और बर्साटाइल बरसाटाला आप समझते हो ना यू आर बर्साटाइल एक्टर एंड लिग्यूट लिग्यूल का एक जो आपने टर्म सुना होगा लिग्यूल ये स्लेजनेला जो कि ट्रेडोफाइट होता है उसमें भी सुना होगा बट अब यहाँ पर हम डिस्कस लिग्यूल नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं लिग्यूलेट लीफ मगर रेफरेंस वही है कि एक एक्स्ट्रा एक एक स्ट्रक्चर उसे हम लिग्यूल बोलते हैं और लिग्यूल का टर्मोलॉजी होती गई जो हमारी जीब होती है टंग होता है उससे कंपेयर किया जाता है कि कुछ उस ऐसी टाइप के स्ट्रक्चर उसे हम लिग्यूल बोलते हैं गए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लिगुट लीफ एंड बरसाटाइल एंथर इज रिपोर्टेड इन ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर मैंने टिक कर रखे हैं रनक्लेसी ग्रैमनी रुटेसी एंड फेवेसी तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मिलती हैं आपको ग्रेमनी फैमिली में ग्रेमनी इज मोस्ट कॉमन फैमिली हम डेली अपनी टेबल पर देखते हैं लंच और डिनर में कि जो मोस्ट ऑफ दी जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है कम्स फ्राम दिस फैमिली जैसे वीट राइस मक्का इंक्लूडिंग शुगर केन और जितनी टाइप की ग्रासेस होती हैं वो सब इसी फैमिली में आती हैं एक काफ़ी बड़ी फैमिली है टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग तो ग्रेमनी फैमिली में दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लिगुलेट लीफ भी पाई जाती है और बसाटाइल एंथर भी पाए जाते हैं गाइस तो हम देखते हैं कि कैस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं देखिए लिगुल हमने बताया ना एक टंग लाइक -like स्ट्रक्चर्स होती है दिस इज लीगुल एंड जो लीफ है इसके साथ ही स्ट्रक्चर हो गया है तो ये बोला जाता है लिगुलेट लीफ इससे क्या होता है ये बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इट इज़ ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है कि इसे लीफ में पानी जो इकट्ठा हो जाता है कलेक्शन उसे है कि लीफ सड़ना दूसरा कोई इंसेक्ट वगैरह के अटैक को भी ये रोकती है आप देख सकते हैं लिगुल का फंक्शन दूसरा पॉइंट है जो आपका बर्साटाइल एंथर तो आप देख सकते हैं इसे कंपेयर करा जाता है जैसे कि ओपिन अम्बरेला दिस पिक्चर कि ये ओपन अम्बरेला होता है बीच में से ये हमारा होता है जो स्टैक होता है दूसरा ये क्लोज्ड एमरेला जब अम्बरेला को हम क्लोज कर लेते हैं गाइज तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है तो ये आपने देखा होगा बेसिक फिक्सड जो होता है बहुत ज़्यादा जगहों पाए जाते हैं बट बरसाटाइल वाली जो कंडीशन होती है इट इज स्पेसिफिक फॉर दी ग्रेमनी तो ये बरसाटाइल एंथर भी जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं गाइज़ फैमिली ग्रेमनी में आप नेचुरल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वर्साटाइल एंथर की जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं गाइज दिस इज एंथर ये दोनों फीचर्स पाए जाते हैं फैमिली ग्रैंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे इन बीच आती फॉलोइंग प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली लेथेरेसी लेथरेसी फैमिली का जब भी नाम आता है तो हमारे माइंड में एक बात आती है बहुत ही कॉमन मेम्बर्स है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में हिना जो एक मूवी का नाम भी गए दूसरा हम हिंदी बोलते हैं मेहंदी ठीक है तो ये उसी का नाम होता है और इस फैम प्लांट में जो एग्जाम्पल्स है गए वो इसी का है इसका बॉटनी का नाम होता है लॉसोनिया एनरमिस ये मेहंदी का नाम होता है और इसका जो फैमिली होती है वो आपकी होती है लेथरेसी ठीक है इस और जैसे हम बात कर सकते हैं ट्रेपा ये आपका एक दूसरा प्लांट हम देखा होगा जो जिसे हिंदी में बोलते हैं सिंगाड़ा और इसके बाद साइसा रेटनम जो कि बंगाल ग्राम है छोला ठीक है जो कि आपका फैमिली फेवेसी का मेम्बर है इसके अलावा रॉप डाप थैलियाना आपने सुना होगा बहुत छोटा सा प्लांट होता है वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च इंदी फार्मा मॉडल ऑर्गेनिज्म mm -hmm. और इसे बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है छोटा सा प्लांट होता है और एन प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट फैमिली क्रूसीफेरी या फैमिली ब्रेसी केसी से बोलते हैं गाइक क्रूसी फेरी या ब्रेसी केसी एक ही फैमिली होती है उसी को बिलोंग करता है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है लेथेसिक अकॉर्डिंग वो आपका लवसनिया एनरमिस जो मेहंदी का बॉटनिकल नेम होता है ठीक है गाइस पिक्चर देख लें आप प्लांट इसका कैसा होता है एक छोटा सा ट्री होता है आप ध्यान रखना ट्री कहेंगे इसे हम सर्व सर्फ नहीं कहेंगे ट्री होता है इस लीफ इस तरीके की होती है और एक प्लांट इसका इस तरीके से होता है ट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे ट्री क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं दी फैमिली मालवेसी दी एस्टिवेशन ऑफ करोला देखिए अब फैमिली मालवेसी हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में पढ़ाई है बॉलोजी विलेज पर आपको आप पूरा वीडियो देखें बहुत सारे एम सी क्यू मैंने करा है एक मेम्बर के बारे में अब हम फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं इसमें सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कॉटन का जिससे हम बोलते हैं रुई हमारा जो रेसा होता है जो फाइबर्स होता है और कोरोला गाइज दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं एक सेपल्स होते हैं और एक पेटल्स होते हैं सेपल्स का जॉइंट फार्म कैलेक्स कहलाता है और कोरोला का जॉइंट फार्म सॉरी पेटल्स का जॉइंट फार्म जो होता है कोरोला का वो पेटल्स कहलाता है और जो आपके सेपल्स होते हैं वो 100% परसेंट आपके ग्रीन कलर के होते हैं और पूरा प्लांट भी ग्रीन होता है तो उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता बट जो करोला होता है जो ना पेटल बनाते हैं मिलके तो ये पेटल जो होते हैं बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इनका मेन काम होता है जो हमारे पॉलिन को पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट वगैरह या दूसरे जो आ, मेंबर्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि प्ला अट्रैक्ट इन्हें प्लांट के अट्रैक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन्हें देख के प्लांट इनके पास आता फिर वो नेक्टर को सक करता है एंड इस तरीके से वो पॉलिनीशन में हेल्प करता है तो कहने का मतलब करोला आर ब्राइटली करेक्ट एंड दे हेल्पफुल इन दी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन तो गाइज और इनका अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनका जो अरेंजमेंट होता है छोटे छोटे लीफ लाइक पार्ट होते हैं तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ जो व्यवस्था होती है जो अरेंजमेंट होता है उसके पैटर्न होते हैं प्लांट एक्सोनॉमी में वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है तो कह रहा है कि जो अरेंजमेंट ऑफ करोला है मतलब उनका जो एस्टिमेशन वो किस तरीके होता है तो उसके बहुत सारे टाइप होते हैं इंब्रिकेड होता है बालबेट होता है बाल ट्विस्टेड होता है क्यूंसियल होता है गाइस बट बालबेसी में जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है आपका ट्विस्ट बहुत ही कॉमन सा होता है बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है बट बालबेसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्विस्टेड अब ट्विस्टेड होता क्या गया जिससे पहले देख लेते हैं ट्विस्टेड का मतलब सिंपल सा होता है ट्विस्ट करना जैसे क्या होता है रस्सी इस तरीके से होती है तो एक इसमें देख रहे हैं ना एक ऊपर आता है तो उसका दूसरा नीचे चला जाता है इसी तरीके से ट्विस्टेड का मतलब होता है गाइस दैट वन ये ट्विस्टेड होता है देखिए इसका एक ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर का जो डार्क है एक आपके कैरोला को तो एक इसका पार्ट देखिए नीचे है दूसरा ऊपर है फिर इसका नीचे आ गया तो इसका इसके तरह इन तो एक अल्टरनेट वे पे एक पार्ट दबा हुआ दूसरा दूसरे अपने वाले से नेक्स्ट को दबा रहा है तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट एंड इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन द मालवेसी मॉल ठीक है अब एक बार पिक्चर इसे देख ले देखिए पूरा बिल्कुल दिखे आपको कि रियल में होता क्या है देखिए ब्राइटली कलर्ड ये कोरोला हो गया इसी का अरेंजमेंट पूछा गया जो ट्विस्टेड होता है मालवेशी में इसके बाद देखिए ग्रीन कलर का जो पिक्चर होता है वो सेपल्स होते सेपल्स लिखा जरूर हमने मगर सेपल्स ज्वाइंट होकर क्या बना लेते कैलिक्स बना लेते ठीक है और इनका जो मेन फीचर होता है फंक्शन इनका भी होता है ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये जो होता है करोला वाला जो पेटल्स बनाते हैं ये हेल्प करते हैं फिजियोलॉजी मतलब ये पॉलीनीशन में हेल्प करते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और ये रिप्रोडक्शन में पॉलीनेशन को कराने में मतलब एज ए असिस्टेंट का, का काम करते हैं कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्ड ओके okay, गाइज तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट ट्विस्टेड होता है मालवेसी में अब हम बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन सभी इंटरेस्टिंग है गाइज सबके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पढ़ने के लिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं फॉरेस्ट फायर जंगल की आग या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट ठीक है हिंदी बोलते हैं ना फिल्म ऑफ फॉर फिल्म का मतलब होता है लपटे अगर बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बोलूँ और फॉरेस्ट की लपट लप्टेक, लपटे किसकी होती है आग की ठीक है जो लहर है इसी तरीके से होती है लपट इस तरीके से बोलते हैं उसे और प्लास्टरी इसे प्लास्ट्री एक कामन टर्म है यह प्लास्ट्री भी इसे बोला जाता है बिलोंग टू दी फैमिली इस किस फैमिली को बिलोंग करता है गाइज तो करेक्ट आंसर है फेवेसी अब फैवेसी की बात करते हैं तो गाइज़ ये ट्री होता है ट्री का मतलब बहुत बड़ा सा प्लांट और हमने बोला है कि जो चना होता है आपने देखा होगा चने का प्लांट जिसे हिंदी में बंगाल ग्राम में छोला बोलते हैं इसका प्लांट छोटा सा होता है गाइज दस से बीस सेंटीमीटर का होता है मेरा जो पी का वर्क था वो इसी पर मैंने पी की थी अपनी छोटा सा प्लांट होता है गाइज पंद्रह से बीस या तीस सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है और वो भी फैमिली फेवेसी को बिलोंग करता है तो एक मेजर डिफरेंस कि इतना छोटा सा प्लांट भी फेवेसी को बिलोंग करता है और इतना बड़ा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी फेवेसी को बिलोंग करता है हाउ इट इज पॉसिबल इसके अलावा मैं बताऊँ आपको जो सीसम का प्लांट होता है वो भी फैमिली फेवेसी को बिलोंग करता है देखिए इन तीनों प्लांट की अगर बात करूँ तो, तो सिमिलरिटी क्या होती है सिमिलरिटी होती है ये लेग्यूमिनस कहलाते हैं मतलब जिनमें फलीदार पौधे आते हैं जिनके फ्रूट्स फलीदार होते हैं वो प्लांट जो होते हैं फैमिली फेवेसी में आते हैं आप देख सकते हैं ब्यूटी मोनोस्पर्मा का जो फ्रूट्स है उसमें क्या देखिए ये फली बन रही है इस तरीके से आप चने की फली देख सकते हो सीसम का कभी आप प्लांट देखना हो तो ऑब्जर्व

क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बात करते हैं इन मालवेसी इपी कैलेक्स इज इज इन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस मेरे चैनल पे जाके पूरा आप आराम से फैमिली मालवेसी को स्टडी करें इससे रिलेटेड एम सी क्यू के दो से तीन वीडियो पड़े हुए हैं उसमें सब मैंने छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने वहाँ बताया था इन मालवेसी इपी कैलेक्स इज अपड गाइज देखिए इपी कैलेक्स कैलेक्स आपने सुना है एपी कैलेक्स ईपी का मतलब होता है आउट इससे बाहर की तरफ तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कैलेक्स के बाहर होती है उसे हम क्या कहते हैं इपी कैलेक्स इपी कैलेक्स की जो प्रेजेंस होती है मालवेसी के लगभग सभी मेम्बर्स में होती है बट दो मेंबर्स हैं जिसमें एपी कैलेक्स नहीं होता है और ये दोनों मेंबर्स एग्जाम में बहुत आयात में पूछे जाते हैं गाइज तो उसमें से एक मेम्बर होता है और दूसरा मेंबर गए इसके लिए मैं आपको बता यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ आप चैनल पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरा देखिए है, फैमिली मालवेसी का बहुत ही अच्छा वीडियो है उसमें आपको दूसरा मेंबर भी पता चलेगा कि, कि दूसरे किस मेंबर में इपी में कैलेक्स अपसेंट होता है ई पी का पिक्चर देखिएगा क्या होता है देखिए ये आपका पेटल्स हो गया जो कोरोला से बनते हैं ये सेपल्स हो गए जो आपके सेपल से बनते हैं सेपल मतलब जो कैलेक्स को फॉर्मेशन करेंगे ठीक है अब इनके बाहर एक स्ट्रक्चर होती है मैंने बताया ना बाहर की तरफ एपी कैलेक्स मतलब आउटर साइड में दैट इज एपिकैलेक्स कैलेक्स एपी का काम भी वही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द रिपोडक्टिव आर्गन जो ओवरी और जो आपके होते हैं एंथर वगैरह अब जी प्लांट आपका जो फ्लावर देख रहे हैं गए इट इज सीडा का फ्लावर इसमें आपको मैंने पिक्चर लगाया इसमें कहीं पे आपको यहाँ पेटल्स दिख रहे हैं और आपको सेपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे कोई भी आपको एपी टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है तो सीडा एक ऐसा प्लांट है और एक दूसरा प्लांट भी होता है बट इन दीज ऑप्शंस सीडा इज प्लांट ऑफ द मालवेसी वेयर इपी इज कंप्लीटली अप्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स में बात करते हैं गाइज हमने कल भी इस क्वेश्चन को बताया था मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जर्मिनेशन ऑफ दी साइकस एंड पाइनस हमें दोनों अपने जिम्नोपम की टाइप स्टडी में पढ़ने हैं कंप्लीट स्टडी करनी है इन दोनों में जर्मिनेशन कैसा होता गाइज एपी जी होता है जबकि साइकेड एक प्रिमेटिव जिम्नोपम्स होता है और पाइनस एक एडवांस जिम्नोस्पम्स होता है बट जर्मिनेशन के पॉइंट पर अगर हम बात करें गाइज तो दोनों सिमिलरिटी होती है जबकि अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो दोनों डिफरेंस होते हैं गाइज साइकस जो होता है प्रिमेटिव होता है इसमें डायसियस होता है कि इसका मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है जबकि जो पाइनस होता गाइज उसके एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं देखिए

काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी रहते हैं इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 64 फोर व्हाट वाट वुट बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द इंडोस्पर्म देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इंडोस्पर्म होता, होता है वो एक रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर होता है फीमेल सिस्टम में और इंडोस्पर्म का है कि ये इसकी जो प्लाइड नंबर होती है वो डिफरेंस करती है जैसे आपका जो एनजीओ स्पर्म होते हैं वो वहाँ पे ट्रिप्लाइड होता है जबकि जिमनोसपर्म में कैसा होता है ये हैप्लाइड होता है ओके अब देखिए पाइनस क्या है गाइस एक हायर प्लांट है जिसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होता है गाइस डिप्लाइड होता है ठीक है तो डिप्लाइड क्रोमोसोम की नंबर यहाँ पर कितनी है सिक्सटी फोर है ठीक है अब बन किया गया इंडो स्पर्म इंडो स्पर्म कैसा गाइस इसका हैपलाइड है तो इसका नंबर जो सिक्सटी फोर का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा सिक्सटी फोर का आधा कितना हुआ थर्टी टू इस तरीके से आप बहुत ईजिली ने सॉल्व कर सकते हैं

विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देर आर सो मैनी सिस्टम इन दी एनजियोसपर्म क्लासिफिकेशन जिसमें हम बात करते हैं तख्ता जान का है वी चिंतन का है बेंता का है बेसे का है और ये बात इतने क्वेश्चन पूछे कि इंडियोस्पर्म को मैग्नोलिप्सिडा और लिलोप्सिडा में किस साइंटिस्ट ने किस टेक्सोनोमिस्ट ने डिवाइड किया था गाइज तो ये आंसर आपका जाता है तख्ताजान जो कि एक आ, मतलब रशियन साइंटिस्ट थे जहाँ तक मुझे आइडिया होता गाइज इन्होंने डिवाइड करा था मैग्नोलिप्सिडा में और लिलोप्सिडा में इन्होंने एनाटमी के बेस पर काम किया था बुटकी एनाटोमी के बेस पर यह क्लासिफिकेशन दिया था मैग्नोलिप्सिडा और लिलोप्सिडा में डिवाइड किया था ठीक है गाइज करेक्ट आंसर आपका तख्ताजान ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हम बात करेंगे ये अच्छी बात है कि जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आएगा जिम्नोस्पर्म आजकल हम एक सिक्वेंसलिय जो स्टडी में करा रहा हूँ अपने चैनल पर वो जिम्नोस्पर्म की ही करा रहा हूँ तो क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट ए पेयर ऑफ प्लांट विच आर बेसल्स लेस देखिए बेसल्स क्या होती हैं बेसल्स मेन जो आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करती है उसमें दो पार्ट होते हैं ट्रेकिट्स और बेसल्स और ऐसे प्लान जिनमें दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रैक्योफाइटा है, जिसमें आपके ट्रेडोफाइट्स लेके एजोस्पम तक ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजोस्पम आते हैं बट बेसिल्स इसमें जो होती हैं कुछ प्लांट में एबसेंट होती हैं ठीक है मतलब जिम्नोस्पर्म में बेसल सबसेंट होती है एज ए नॉर्मल वे में अगर बात करें बट जो इसके हायर ग्रुप के लोग हैं जैसे नीटेल्स वगैरह जो नीटम इसमें आता है उसमें बेसल्स प्रेजेंट होती हैं बाकी नॉर्मल जिम्नोस्पर्म में कहें तो बेसल्स एब्सेंट होती हैं ठीक है तो नीटम एडवांस है उसमें जिम एंजम की सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो कहने का मतलब है जो कॉमन जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें आपकी बेसल्स अपसेंट होती हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसल्स लेस कौन से हैं तो देखिए साइकस

स में हैं और बैंडा भी है क्या एंजुस्पर में तो इसमें तो होनेस में तो कॉमन फीचर्स है इसके बाद ड्रिम्स और बैंडा बैंडा में चूंकि है ड्रिम्स में नहीं है तब भी ये गलत हो गया ये जो पहला ऑप्शन है साइकस और ड्रिम्स इन दोनों में वेसल्स नहीं होती गाई सो तो करेक्ट आंसर आपका होता है आप देख लीजिए साइकस का कितना छोटा सा प्लांट होता है इसमें कितना नो रिक्वायरमेंट आप दी बेसल्स को इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती वाटर की तो इनमें बेसल्स लेस प्लांट कहलाते गाइस ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टेन में हम बात करते हैं राइस फ्रूट इज़ काफ़ी टेक्निकल बातें हैं गाइस राइस फ्रूट राइस का मतलब होता है गाइस जो हम अपने प्लांट से निकाल के लाते हैं पूरा धान जैसे बोलते हैं इसके ऊपर एक पूरा कैप्चा होता है ठीक है उसके अंदर जो हम इसे सफ़ा करते हैं पॉलिसर के थ्रू तो ये वाला हट जाता है फिर इस पर हम पॉसिश लगाते हैं ठीक है थीके? फिर इसे हम खाते हैं इसके अंदर कह सकते हैं रियल जो इम्प्रोय होता है हो उसे ठीक है राइस फ्रूट क्या है फ्रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बॉटनी में तो फ्रूट के टाइप्स होते हैं तो उस नज़रिए से जो फैमिली ग्रैमनी के मेम्बर्स होते हैं जो अनाज होता है हिंदी में अगर हम बोलें सीरियल जो हमारे होते हैं जिन्हें ग्रेन्स बोलते हैं वो आपके कैरिप्सिस कहलाते हैं अब कैरिओपसिस का मतलब होता है जो फैमिली ग्रैमनी के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैरिप्सिस होते हैं सिंपल सा आप इसे ध्यान रखो अब ग्रैमनी जो फैमिली का वो एक मोनोकार्ड फैमिली है उसमें आप देख लें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होती है वो कैरॉप्सिस बनाती है जिसमें क्या होता है देखिए ये प्योरली मोनोकार्ड करेक्टर है एलोरन लेयर्स स्कूट्रिलियम कैसा करैरेक्टर है मोनोकार्ड करेक्टर से इंडोस्पर्म चूँकि मोनोकार्ड के जो सीट्स होते हैं क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक उसमें सर्वाइवल रहता है तो उसमें इंडोस्पर्म होता है इंडोस्पर्म का मतलब कि रिजर्व फूड मटेरियल रहता है ठीक है पेरी का मतलब हुआ जो अपर छिलका जैसे हिंदी में बोलते हैं भूसी जो होती है वो पेरीफार्म होती है स्वीट कोड मतलब मेन जो इनका टेस्टा होता है ठीक है तो ये आपका इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैरियोप्सिस बनाती है नाव फिर से एक बार देख लेते हैं इस पिक्चर में भी आपको दिखेगा पेरी सीट कोड जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं ये अंदर का लोक्यूल ये मेन सीट होगा जिसे हम खाते हैं और ये इनका पॉइंट जहाँ पे ये अटैच होता है अपने उससे ठीक है जो बाली होती है उसकी जो पूरी लेयर होती है ये कैरफ्स कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंतम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए बेंतम और हुकर का जो सिस्टम था वो नेचुरल सिस्टम था अब पॉइंट आता है नेचुरल सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम या फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होते हैं आगे बताएंगे टेक्सोलॉमी जब हम पढ़ाएंगे आपको गाइज अभी हम इतना बात करना चाह रहे हैं कि जो बेंतम हुकर सिस्टम था इन्होंने पूरे एनजीओ स्पर्म को मतलब प्लांट किंगडम को क्लासीफाई करा था आपको बताया था इससे पहले कि बेतम हुकर ने क्या करा था जिम ने उस परम को के बीच में रख दिया था जो कि बहुत बड़ा एक डिफेक्ट था उनके सिस्टम का बट यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि बेंतम हुकर सिस्टम ने जो उन्होंने क्लासीफिकेशन करा था प्लांट का उन्होंने अपने उसमें सीरीज दी थी ठीक है कैल्सीफ्रोली इस तरीके से नाम दिए थे तो उन्होंने सीरीज तो उन्होंने के बारे में दी थी मतलब सॉरी के बारे में दी थी और सिक्स सीरीज जो थी कार्ड के बारे में दी थी मतलब कम मोनोकार्ड होते थी, ठीक है तो ये पंद्रह से कितने इक्कीस तो सीरीज यही बात आता ट्वेंटी वन टोटल सीरीज का नंबर था बेंथम बेताम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें फिफ्टीन जो थी वो डायकार्ड के लिए थी और सिक्स जो थी वो मोनोकार्ड के लिए थी क्वेश्चन नंबर ट्वेल में हम बात करते हैं फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टू देखिए अब यहां से क्वेश्चन जो आ रहे हैं ट्वेल्व टू ट्वेंटी ये जो सेवन एट क्वेश्चन है गाइज ये आपके मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से है कि प्लांट के जो मार्फोलॉजिकल हो पार्ट्स होते हैं जैसे लीफ होते हैं टेंड्रल्स होती हैं उनके और दूसरे पार्ट होते हैं लाइक स्टिपुल ये दूसरे पार्ट में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं ये स्ट्रक्चर एज पर अडाप्टेशन कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किसके अकॉर्डिंग एडाप्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वेरी मच कन्फ्यूजिंग बट मैंने सात आठ क्वेश्चन जो कॉमन यहाँ पे तो कहीं इस सेवन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि इसमें जो बहुत सारे मार्फोलॉजिकल पार्ट एक दूसरे में चेंज होते रहे तो पहला क्वेश्चन है फ्लोलर फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल आर एग्जिलरी ब्रांच दोनों आ सकते हैं एग्जाम में कि केवल ये कहे कि टेंडल में कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं और एग्जिलरी ब्रांच में कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं फ्लोरल बर्ड्स मतलब जो बर्ड है जो अभी जैसे कहते नहीं कली और फ्लावर जो अभी उसमें बडिंग नहीं हुई बडिंग का मतलब फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई बट उससे पहले वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए या एक्जरी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती गई तो एक प्लांट होता है बिग्नोनिया होता है एंटीगोनन होता है सिट्रस जैसे नींबू हिंदी गोवा अमरूद तो ये देखने को मिलता है हमें एंटीगोनन एक प्लांट होता है जिसमें फ्लोरल बर्ड जो होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल इस तरह के जो धागे होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं उन्हें हम टेंड्रिल बोलते हैं तो देख लें कैसे कैसे पिक्चर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है देखिए ये लीफ थी तो लीफ के बाद यहाँ पे इसका वो बनता फ्लोरल बर्ड्स उससे पहले क्या हुआ ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई है ठीक है ये पॉइंट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हम देखते हैं पेट्रोल आर मॉडिफाइड इनटू टू टेंट्रिल फिर देखिए टेंडिल में ज़्यादा कन्वर्ट हो पेट्रोल कन्वर्ट हो पेटियोल क्या होता है आप समझ सकते हैं जैसे हम सब ये आपको लीफ है तो ये आपका क्या होगा ये पेट्रोल हो गया ठीक है ये पेटियोल तो दूसरी कंडीशन क्या होगी ये लीफ है लीफ से अटैच है पेटियोल ठीक है अब क्या होगा दूसरी कंडीशन में कि लीफ डायरेक्ट इससे निकल आएगी और जो पेटियोल था वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया ये वाला पॉइंट ये कहाँ देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है हमें क्लीमेटिस में ठीक है कि पेट्रोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में लाइक लीफ ऐसी होनी चाहिए थी इस तरीके से स्टेम है लीफ ऐसे करके लगी है बट सेकेंड में क्या होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा ये टेंडल में कन्वर्ट हो गया लाइक दैट तो लीफ कैसे अटैच हो जाएगी बिल्कुल इससे अटैच हो जाएगी ठीक है तो ये देखने को मिलती कंडीशन में क्लीमेटिस एक प्लान होता ना दैट हम इसे देखें क्लीमेटिस को इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप लीफ को देख रहे थे काफ़ी यहाँ पर देखिए कितना इसका पेट्रोल है बट इस बार लीफ में आपको पेट्रोल दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पेट्रोल किस में कन्वर्ट हो गया है में कन्वर्ट हो गया है फिर देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में देखते हैं लीफ एपेक्स आर मॉडिफाइड इनटू टू टेंटेड देखिए यहाँ भी सभी लीफ एपिक्स मतलब लाइक दैट ये आपका स्टेम है ये आपका पेटियोल हो गया और ये लीफ हो गई ठीक है ये लीफ का एपिक्स वाला पार्ट है ये टिप आपकी जो ऐसे फोल्ड होती है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें में कहने का मतलब ये कंडीशन बन जाएगी अब ये लीफ हो गया और इसका जो ये था ये वाला पार्ट ऐसे करके इसमें ये तो ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है ये हमें देखने पी जो हमारा पाइथन साइव होता है जो मेंडल का प्लांट था उसमें ये कंडीशन होती दूसरा गिलियो रोजा एक प्लांट होता है उसमें भी देखने को मिलता है कि लीफ एफ कन्वर्टेड इंटू टेंड्रिल दिस इस पिक्चर इसे भी हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेंड्रिल अब उल्टा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया क्या 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 टेंड्रिल मॉडिफाइड इन टू एक्जिलरी ब्रांच ठीक है ये देखती है एक्जिलरी ब्रांच का क्या होता है ये स्टेम होता है ये लीफ होता है और आपका टेंडल यहाँ से निकलना चाहिए था टेंडल की जगह थी वहाँ पे क्या हुआ एक्जिलेरी ब्रांच डेवलप हो गई ठीक है और ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें ल्यूफा में अभी हम आगे सब पिक्चर एक साथ, साथ लगाएं उन्हें दिखाएंगे ये ध्यान रखें टेंड्रिलवर्ट कन्वर्टेड एक्सिलेरी ब्रांच इन ल्यूफा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में देखते हैं टेंड्रल स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट ये पॉइंट देखें लिखने का तरीका है टेंड्रल कन्वर्ट इंटू स्टिप्यूल्स या स्टिप्यूल्स कन्वर्ट इंटू कन्वर्ट इंटू स्टिप्यूल्स ठीक है टू टेंड्रल स्टिप्यूल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं गाइस ये देखने को मिलते हैं इस एक्स में ठीक है ये देखें कैसे करके देखने को मिलते हैं देखिए ये आपकी लीफ का वो है ये टेंड्रिल था इसका ठीक है ये हल्के हल्के किस में कन्वर्ट होगा स्टिप्यूल्स में कन्वर्ट होगा छोटे से स्ट्रक्चर्स में ठीक है भाई ये आप पूरा स्ट्रक्चर देखें टेंड्रिल कन्वर्टेड इनटू स्टिप्यूल्स या टेंड्रिल स्टिप्यूल्स स्टिप्यूल्स कैसे हैं टेंड्रिल वाले क्वालिटी वाले स्टिप्यूल से एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ लीफ के बीच में उसको निकलना चाहिए था यहाँ पे बट ये किस में कन्वर्ट हो गई इस तरीके से टेंड्रिल में मतलब जो स्टिप्यूल्स है वो टेंडरलर होगा तो हम कहेंगे टेंडरल स्टिप्यूल्स ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में देखते हैं इन विच इन विच फैमिली सम टेंड्रिल मॉडिफाइड इनटू लीफ और सम टेंड्रिल मॉडिफाइड इनटू स्टेम ये भी अपने आप में कंडीशन है कि टेंड्रिल अब कन्वर्ट होना शुरू उल्टा होना शुरू हुआ है टेंड्रिल कन्वर्ट कहीं पे लीफ में कुछ और कुछ कन्वर्ट होगा स्टेम में मतलब ये बहुत बड़ी बात है टेंड्रिल लीफ का फॉर्मेशन कर रहा हूँ टेंड्रिल स्टेम का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये आपको देखने में मिल रहा है सबसे कॉमन है गाइस कुकर बिटेसी जब पेपर बोलते हैं तो इस फैमिली में देखने को मिलते हैं कि टोटल जो टेंडल्स हैं वो कन्वर्ट होगा लीफ में कुछ जगहों पर और कुछ में कन्वर्ट होगा स्टेम में क्वेश्चन नंबर एटीन में देखते हैं होल लीफ आर मॉडिफाइड इंटू टेंडल देखिए उल्टा फिर शुरू हो गया टेंडल का बनना लीफ कंप्लीट लीफ लीफ अभी था लीफ का टिप लीफ का एपेक्स कन्वर्ट हो रहा था अब पूरी लीफ ही कन्वर्ट हो गई टेंडल में ये कंडीशन देखने को मिलती है लेथायरस का ये भी एक टाइप की मटर होती है इसे हम बोलते हैं अलास्का भी लेथारस सेटिवस में ठीक है और मगर इसका एक प्लांट हम लेथारस सेटिवस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ बात कर रहे हैं लेथारस अफका इसमें होता है कि कंप्लीट लीफ जो है वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है जी ये होता है ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इसमें आप सब ध्यान रहे ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में ये देखेंगे आप यहाँ पर लथार है में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा जो लीफ है वो कैसे कन्वर्ट हो जा रही है टेंडल पूरी लीफ कन्वर्ट हो गई टेंडल में ये पाइसम पाँच वाला एग्जाम्पल था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बात करते हैं लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टू आपने देखा होगा गाइस इसमें जो आपने प्लांट पड़े होंगे जो आपके वो वाले प्लांट होते नहीं जिसमें एनजोस्मोमिक प्लांट डिफरेंट टाइप की मोड के थ्रू फूड अपटेंड करते हैं ठीक है प्रोफिटिका एंजियोस्पर्म वगैरह आते हैं बिल्डर बर्ड आपने सुना होगा उसकी बात कर रहे हैं कि कंप्लीट लीफ कन्वर्टेड इंटू ब्लेडर ठीक है और ये कंडीशन आपने देखो एट्रिकुलरिया जैसे हम बोलते हैं इंडियन पाइप ठीक है इसे इंडियन पाइप भी बोला जाता है उस प्लांट में देखने को मिलता है कि लीफ जो है वो ब्लेडर में कन्वर्ट हो जाती है गाइज आपको बताया था जो लेथारिस का कंडीशन या इस माइलेक्स का कंडीशन ये सब है क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखते हैं ऑक्रिकेट स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन एक स्पेशल टाइप की कंडीशन होती है ऑक्रिकेट स्टिप्यूल्स stipules. stipules का मतलब होता है सपोर्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं फैमिली पालीगोने जैसे कि मेम्बर्स रीमिक्स एंड पालीगोनम इन दिस पिक्चर यू नो वेरी वेल दैट दिज इज स्टिप्यूल्स ठीक है ये स्ट्रक्चर क्या है आपको कुछ पेपरी स्ट्रक्चर है जो इसके स्ट्रक्चर को कवर किए हुए हैं दिज इज स्टिप्यूल्स और इस तरीके से इनका जो है कन्वर्ट हो जाना ना दैट इन्हें बोला जाता है ऑकरेट स्टीपुल्स ये क्या करते हैं जो नोट वाला पोर्शन होता है उस पर पैपरी टाइप प्लास्टिक की टाइप एक कवरिंग कर लेते हैं उसमें बोला जाता है ऑक्रेट स्टीपूल्स और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द फैमिली पाली गोनी एसी का करेक्टर है गाइज दिस इज तो भाई दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट मार्कोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स थैंक यू वेरी मच गाइज